हमीरपुर में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने सख्ती बरतते हुए अब तक 40 मामले दर्ज किए हैं। जिला भर में सब्जी के दामों को ज़्यादा लेने के साथ साथ कर्फ्यू के दौरान लोगों के घरों से निकलने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। SP अरजीत सेन के अनुसार हमीरपुर जिला भर में पुलिस ने अब तक 40 मामले दर्ज कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है ताकि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए काम किया जा सके। SP अरजीत सेन ने बताया कि कर्फ्यू में सभी लोगों को सहयोग देना आवश्यक है और कोरोना बीमारी से बचाव के लिए चेन को रोकना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोगों के द्वारा अभी भी परवाह नहीं की जा रही है, जिसके चलते ही 40 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान बिना पास के गाड़ियां चलाने के साथ साथ सब्जी के दाम ज़्यादा बेचने और शराब के ठेके खोलने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। हम लगातार जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इस तरह की ये जो कर्फ्यू है ये सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र जो है एक रीज़न की वजह से लगाया गया है। इसमें कोऑपरेट करना ही एक सबसे शोर शॉट तरीका है इस चीज़ को रोकने का, ये चेन जो कोरोना वायरस के फैलने की है उसको रोकने का। तो इसलिए हालांकि ज़्यादातर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, पर फिर भी 10-15% लोग ऐसे होते हैं जिनको ना खुद की चिंता है ना आसपास के लोगों की चिंता है। तो उन लोगों के लिए हमने यहाँ पे अभी तक 40 मुकदमे जो हैं हमको रजिस्टर करने पड़े। इतने रजिस्टर करने में जब से हमारा ये लगा है कर्फ्यू लगा है तब से हमने 40 केसेस रजिस्टर कर लिए हैं। पिछले कल भी हमने 6 केस रजिस्टर किए थे। इसमें कई मामलों में रजिस्टर हुए हैं, कई जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं बिना वैलिड परमिट के, कई लोग जो हैं दामों जो दुकान में सब्जियों के दाम हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ शराब के ठेके भी खोले जा रहे हैं, उन पर भी हमने मामले दर्ज किए हैं। मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध रहेगा कि ये हम सब के लिए, आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, सभी के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी है। तो ऐसे समय में अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हम इसका अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। हमको FIR रजिस्टर करने के लिए मजबूर ना करें, तो यही मेरी एक अपील रहेगी आपके माध्यम से।